गया तो अंग्रेज लोग पैदा हो गए। कौन हो गए? अंग्रेज। गोरा गोरा होता कच्चा रोटी के समान हो गया। कहना इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार रोटी को अच्छा से सेकेंगे। इस बार जो रोटी सेकने लगे भगवान जी तो ज्यादा सेका गया तो जल गया। जलने से क्या होता है? साउथ अफ्रीका के लोग देखे हो ना, निग्रो लोग सब काला काला पैदा हो गए। और जब कहता उससे भी सीख मिली कि नहीं, पहले कम सेके तो अंग्रेज पैदा हो गए, और दूसरी बार जब ज्यादा सेक हो गए सेके तो निग्रो लोग हो गए। और भगवान ने कोई ऐसी गलती नहीं की, हम लोग भारतीय लोग पैदा हो गए। हम लोग ना तो जले हैं और ना तो आधा पके हुए हैं। तो ऐसे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका व्यक्तित्व आज भी हमें याद है। वो शिक्षकों के शिक्षक थे, इसलिए उनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, शिक्षक में ऐसा गुण है जो आपको नीचे से पाताल से आकाश की ओर ले जा सकते हैं। उनके आशीर्वाद से, जैसा कोचिंग का नाम है, आप शिक्षकों का आशीर्वाद लें, आपको सफलता मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं अभी इंटर स्त्री विद्यालय में प्राचार्य हूँ शाहपुर में। शायद मेरे बहुत बच्चे भी हैं यहाँ पर, सब जान रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई कीजिए, चाहे कोचिंग में पढ़ें चाहे स्कूल में पढ़ें, पढ़ाई कीजिए। आपका एक ही उद्देश्य है पढ़ाई। जैसे कल और परसों विद्यालय में छुट्टी है, लेकिन पढ़ाई से छुट्टी नहीं मिली है। आपको पढ़ना है, और पढ़ने का काम, जैसे आप लोग कुम्हार को देखते हो, कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक पिटाई कर देते हैं। जब शिक्षक पिटाई करते हैं, मारते हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए मारते हैं, क्योंकि शिक्षकों का काम एक कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार को देखा होगा आपने कि कुम्हार जब पीटते हैं तब कढ़ाई बनता है, लेकिन उसके हाथ अंदर में हाथ रखते हैं तब पिटाई करते हैं। तो तुमको पीटने के साथ ही उनको बहुत ममता लगता है, लेकिन उद्देश्य कढ़ाई बनना है। शिक्षकों का उद्देश्य है हमारे बच्चे अच्छा बनेंगे, और बच्चे अच्छा तभी बनेंगे जब वो मेहनत करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप गुरु के आशीर्वाद में रहें, गुरु का कहना माने, आपको सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को शुभकामना देते हुए आज की वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।